आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता धिर कांग्रेस उत्ते निशाने साधे ने। आम आदमी पार्टी के आगू सुखपाल खैरा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने आख्या कि पंजाब में सरकार बनने तो बाद 50 दिन पूरे हो गए हैं, पर मुख्यमंत्री पंजाब ने एक दिन भी पंजाब के हिस्सों में दौरा नहीं करना है। खैरा ने आख्या कि किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, सूबे में अमन कानून की हालत खस्ता है, पर मुख्यमंत्री पंजाब का रुख नहीं कर रहे हैं। पंजाब के किसान की कर्जा मुक्ति से भी उन्होंने पंजाब सरकार लंबे हथे लिया। मेरा ये मानना है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बने 50 दिन हो गए। अनफॉर्चुनेटली कैप्टन अमरिंदर सिंह 50 दिनों में पंजाब एक दिन भी नहीं गए। पंजाब में लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप को एक ब्यूरोक्रेट की तरह, एक पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की तरह पंजाब को चलाना चाहते हैं। और दिल्ली जाने के लिए टाइम है, अंबानी अडानी को मिलने के लिए मुंबई में जाने के लिए टाइम है, लेकिन पंजाब के जो गरीब लोग हैं और जो पंजाब में इस वक्त हालात हैं उनके लिए उनके पास टाइम नहीं। इसकी आम आदमी पार्टी सख्त शब्दों में इस बात की इसको कंडेम करती है और उनको रिक्वेस्ट करती है कि आप पंजाब में निकलें और पंजाब के हर वर्ग के लोगों को उनकी ज़रूरत है। आपने सबसे बड़ा इलेक्शन प्रॉमिस ये किया था कि हम कर्ज़ा माफ़ करेंगे, लेकिन कोई कर्जे की बात नहीं कर रहा, आप मोदी साहब के पीछे घूम रहे हैं। आपको जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्ज़ा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कर्ज़ा है, जो छोटे और मार्जिनल किसान का है, वो माफ़ करने में पंजाब को कौन रोक रहा है।